Hello students, earlier session we have completed the economic development and its definition given by the Todaro is the economic development is a multidimensional means बहुत सारे इसके हिस्से होते हैं. तो यहाँ पर हम अब उसके characteristics और limitations पढ़ेंगे. Now characteristics के अंदर economic development is a continuous process. पहले भी बताया था कि economic development is a process, और वो कैसा process है? Continuous process means economic development एक बार हो चुका है, एक साल में एक बार हो चुका है, तो फिर वो वहाँ पर स्टॉप नहीं होगा. दैट हैव टू बी कंटिन्यू नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर मीन्स लॉन्ग लास्टिंग. सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द कंटिन्यूस प्रोसेस. मीन्स ह्यूमन बींग्स का जो वेल बींग देखते हैं, देश के अंदर जो भी ह्यूमन बींग्स रहते हैं उनका जो भी डेवलपमेंट होता है, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो सुधरते हैं वो कंटिन्यूसली सुधरने चाहिए. सो दैट इज वाई इट द डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. क्वान्टिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस, यहाँ पर दो टाइप के चेंजेस होते हैं. हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी पर ध्यान दिया जा रहा था. मीन्स न्यूमर नंबर्स हैव बीन चेंज्ड, पर यहाँ पर नंबर तो चेंज होते हैं. मीन्स इनकम जो है वो न्यूमेरिकली इंक्रीज हो रही है, पर उस इनकम से कंफर्ट भी खरीदते हैं. मीन्स लग्जरियस की तरफ जाते हैं. सो दैट्स वाई इट इज ऑफ क्वालिटेटिव चेंजेस. मीन्स सपोज पहले के जमाने में झोपड़े में रहते थे, नाउ वी आर हैविंग द पक्का हाउसेस. Then afterwards bungalows person have to purchase, so that have to be go for the superior type of products, comforts ki taraf jaate. So that's why the quality have to be changed of the human beings. Then change in the demand. Ab ye quality change karne ke liye demand change karna padega. तो डिमांड चेंज कैसे होती है? कस्टमर्स जो होते हैं वो क्या प्रेफर करते हैं? पहले जो प्रेफर करते थे उससे उनकी डिमांड सेटिस्फाई होती थी, पर अब डिमांड थोड़ी सी चेंज हुई है, तो उस हिसाब से वो पर्सन को वो प्रोडक्ट अवेल करवाना. सो अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू मेक इट अवेल. तो डिमांड चेंज हुए हैं तो उस हिसाब से लेबर बिकम मोर डायनामिक. लेबर यहाँ पर क्या होता है? लेबर फोर्सेस जो है दैट हैव टू बी मोर एजुकेटेड. टेक्निकल नॉलेज लिया गया पर्सन होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस दिया गया था? नई टेक्नोलॉजीज नई टेक्निक्स हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड फॉर द डेवलपमेंट. तो ये नई टेक्निक को चलाने के लिए मशीनरीज जो बिजनेस लाते हैं बाहर से, तो वो बिजनेस को यहाँ पर डिमांड को एफर्ट करने के लिए नया बिजनेस शुरू करते हैं. जैसे कि INST कंपनी कोल के लिए कोल का प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करते हैं. इलेक्ट्रिसिटी का बहुत सारी जगह पे यूजेस होते हैं, तो ये सारे जो है वो इम्पोर्टेंट रखते हैं. और उसके साथ साथ लेबर बिकम डायनामिक. इस लेबर को अपना जो एजुकेशन है वो बढ़ाना चाहिए. जैसे कि पहले कंप्यूटर नहीं था, अब कंप्यूटर आ गया, दैट इज नेसेसिटी. टेक्निकल नॉलेज आ गया, सो दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट. सो दैट हैव टू बी डायनामिक, चेंजेस करते रहते हैं अपने हिसाब से. देन इंक्रीज कैपिटल फॉर्मेशन, जो हमारा कैपिटल फंक्शन है, कैपिटल स्ट्रक्चर है, वो चेंज हुआ है. मीन्स कहाँ से पैसे लाते हैं और वो पैसे लाए हैं उसका कहाँ पर यूज होना, बेस्ट वे में यूटिलाइजेशन करना. सो दैट कैपिटल स्ट्रक्चर ऑल्सो हैव टू बी चेंज बिकॉज ऑफ टेक्निक्स. नई टेक्नोलॉजीज इम्प्लीमेंट हुई है नई, और ये सब नई टेक्नोलॉजी क्यों हुई है? डिमांड चेंज हुई है. और डिमांड क्यों चेंज हुई है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधारने के लिए, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ी है, पर्सन की इनकम बढ़ी है, इनकम बढ़ने से वो क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदेंगे. क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड चेंज करते हैं. डिमांड चेंज करते तो लेबर के ऊपर आता है कि क्या प्रोडक्शन करना है, जो डिमांड करते हैं उसका प्रोडक्शन करना. तो यहाँ पर जो पर्सन होते हैं लेबर फोर्स होते हैं वो डायनामिक होते हैं, वेल एजुकेटेड, टेक्निकल नॉलेज लिया गया होता है, और उससे कैपिटल स्ट्रक्चर कहाँ से पैसे लाने हैं, क्या करना है, दैट ऑल हैव टू बी मेक द कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन. Then after change in the technology aspects is very important. Change technology करते हैं तो that have to be improve the quality products. जो बेहतर करते हैं उससे भी और बेहतर quality products person को avail करवाना, so that is very important. And the development becomes self-motivating. Self-motivating means खुद पर निर्भर बनना. पहले तो एक बार development हो चुका, means after this whole process development have to be continued. पर उसके बाद एक बार डेवलपमेंट हो चुका है तो वो दैट हैव टू बी मेंटेन. दैट इज व्हाई इट इज अ सेल्फ मोटिवेटिंग. मीन्स अपने आप को और ज्यादा से ज्यादा सुधारने का, और लग्जरियस आइटम्स खरीदने का, और उससे ज्यादा से ज्यादा बेटरमेंट पाने का. सो दैट ऑल आर अबाउट द सेल्फ मोटिवेटिंग. नाउ नेक्स्ट इज लिमिटेशंस. लिमिटेशंस आए, पहले आया था इकोनॉमिक ग्रोथ, उसके लिए लिमिटेशंस आई, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एग्जिस्ट हुआ. ये सारे मेजरमेंट्स हैं. तो अनदर
conditions आए उसके, then indicators the progress of the nation. यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नेशन का प्रोग्रेस ही देखा जाता है, but cannot discuss the human development. Human development का प्रोग्रेस नहीं देखा जाता है कि उसका सही में development हुआ है या नहीं हुआ. That all something has to be missed. Then difficult to measure because it, so many parameters are there to measure the economic development because it is includes those changes which happen in the society. तो सारे जो changes society में होते हैं वो सारे अलग अलग parameters में होते हैं. किसी का income बढ़ता है, किसी की सुख सुविधाएं बढ़ती है, तो ये सारे parameters को साथ में लेकर economic development होता है. किसी को housing की सुविधाएं मिलती है, किसी को water clean water की सुविधाएं मिलती है, तो ये सारे अलग अलग parameters को include करना it is very difficult. तो इसे measurement में difficulties होती है. So that is why it is limited. No much improvement in the standard of living of the people. यहाँ पर हम मायने रखते हैं people का, पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा improvement नहीं हुआ है. तो यहाँ पर यही बोला है no much improvement. So we cannot say that economic development means improvement in the standard of living. यहाँ पर ये माना नहीं जाता है economic development means improvement in the standard of living. So यहाँ पर इस limitations की वजह से next और दूसरा measurement आया, that is a PQLI. Physical quality of life index. तो इस parameters की वजह से measurement करना लगता है कि country के अंदर क्या हुआ है, कितना development हुआ है या नहीं. That is why it is of very important. Thank you. Thank you. No.